कितना ब्यूटीफुल ट्री है। इतने की ये बाल्टी सीरियसली बहुत भारी है फ्रेंड्स। सीधी से बात है, जो पहन के आई थी वही पहन के जाऊंगी। कितने सारे कौवे घूम रहे हैं। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो पर मैं आज आई थी एक वीडियो शूट करने के लिए, तो वो वीडियो मेरी शूट हो चुकी है। तो मैक्सिमम 2 आवर्स लगे उसको शूट करने में, क्योंकि व्लॉग्स जो होते हैं ना, उसमें हमें अपनी लाइफ स्टाइल दिखानी होती है। तो हम जैसे मर्जी जो मर्जी बोल देते हैं, हमें पता हो या ना पता हम बोल देते हैं। और जो वीडियोज़ होती हैं ना, उससे हमें मतलब एक लाइन वाइज ही बोलना होता है। और यहाँ तो मैं अकेली, क्योंकि मुझे अकेले ही अपनी लाइन सोचनी पड़ती है, अकेले ही शूट करना पड़ता है। और सेटअप भी सारा मैं अकेले करती हूँ, फिर एडिट भी में भी टाइम लगता है। तो मेरा शूट कंप्लीट हो चुका है और मैं रूफ पर आई थी शूट के लिए, क्योंकि रूम में लाइट तो है लेकिन वो लाइट वाली लाइट है। और यहाँ रूफ पर आके देखो, नेचुरल लाइट है, लेकिन इतनी सारी लाइट है यहाँ पर। तो ये नेचुरल जब लाइट आती है ना वीडियो में, तो वीडियो बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, तो मेरा सूट फिलहाल कंप्लीट हो चुका है, तो थोड़ी देर में रूफ पर बैठूंगी और फिर मैं जाऊंगी रूम में। और वैसे भी अब देख सकते कितना अच्छा व्यू हो रहा है, ऐसे व्यू को छोड़ के कौन नीचे जाना चाहेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं सूट करने आई थी तो ये स्टूल लेके आई थी, और ये हमारा ट्राईपॉड, मिनी ट्राईपॉड, और ये मेरा है वॉर्म हेडफोन, और वो मेरा फ़ोन का कवर पड़ा है। और ऊपर छत पर आते हैं तो कोई ना कोई चीज़ भूल ही जाते हैं, तो मैं मैट लाना भूल गई थी, तो मैंने ये कट्टाई बिछा ली और इसके ऊपर बैठ के मैंने सूट कर लिया। कुछ ना कुछ तो होता है फ्रेंड कि भूल जाते हैं, तो मैं भूल गई थी। और ये मेरा वॉर्म हेडफोन है, चलो इसे पहनते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको जानने की एक्साइटमेंट हो रही है कि अभी मैंने कौन सी वीडियो शूट करी है, तो आपको इस वीडियो के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है तो यहाँ पे एक लिंक है, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो है, इसमें मैंने ना छोटा सा आपको हिंट दिया है, पर मैंने पूरा ये नहीं कहा कि इसकी नेक्स्ट वीडियो वही होगी, क्योंकि मैं भी सोच नहीं थी कि मेरे पास वो चीज़ आने वाली है। आप सोचोगे कौन सी चीज़ आने वाली है, तो वो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे पास आने वाली है। तो आ गई है, तो मैंने वीडियो बना ली है। हेडफोन पहन लेते हैं, विंटर्स हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके देख लीजिएगा। इससे आपको हल्का सा हिंट मिल जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी। अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो मैं शूट करने के लिए रूफ पर आई थी। और आप भी देख सकते हैं, मजा आया, इतना मस्त व्यू लग रहा है ना। तो मैं थोड़ी देर ऐसे रूफ पर बैठूंगी। यहाँ पूरा मैंने फ्लावर फैलावा कर रखा है, जैसे कि मैंने ये ट्राईपॉड भी लाई थी ना मैं, तो इसको मैं बंद कर लूँगी, इसको बंद कर लूँगी। चलो चलो, तो ये मिनी ट्राईपॉड है, तो हमारे बजट में यही था, तो हमने ये खरीदा। खरीदना तो है वीडियोस के लिए, तो ये छोटा सा ट्राईपॉड है वाला, तो ये हमने खरीद लिया है। और ये ऐसे बंद हो जाता है, इसे हम अपने कैरी बैग में कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। छोटा सा है, हमारी पैंट की जेब में आ जाएगा, पर उसमें क्यों रखना, बैग में रख सकते हैं। तो ये हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी ना मतलब इवनिंग का सूरज निकल चुका है, अगर आपको सूरज देखना है, चलो मैं आपको सूरज दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इवनिंग का सन है, कितना अच्छा लग रहा है ये। आप पूरा पास से देखिए, वाह। और ये देखिए कितनी ओस हो रही है, मतलब कोहरा ही कोहरा, वहाँ पे कौवे उड़ रहे हैं, चील कौवे कुछ भी हो। कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ, और आप पीछे देखो कितना ब्यूटीफुल ट्री है। और ट्री हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और इससे हमारी आर्ट ग्रीन लगती है और ब्यूटीफुल लगती है। तो जब भी मैं रूफ पर आती हूँ ना, तो मैं रूफ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, बट रात हो जाती है तो जाना पड़ता है, नहीं तो आमी जी। तो एक और वीडियो शूट की थी मैंने रूफ पर, वो वीडियो भी आएगी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो ये आएगी, फिर इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो मैंने अनबॉक्सिंग किया है। अब तो मैंने इतना हिंट भी दे दिया कि मैंने कुछ अनबॉक्सिंग किया है,
और आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो का भी लिंक दे दिया है, उस पर भी जाके आपको पता चल जाएगा कि क्या अनबॉक्सिंग किया होगा। तो आप भी एक्साइटमेंट रहिए, मैंने भी बहुत वेट किया उस चीज़ का, लेकिन अब आ गई है। मैं जो मर्जी बोल रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ रूफ पर आके मुझे व्लॉग्स बनाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ही अच्छा व्यू है और लाइटिंग आ रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो फ्रेंड्स, ऐसा करते हैं, हम थोड़ी सी अपना वार्म अप करते हैं, क्योंकि वार्म अप करना ज़रूरी होता है। तो चलो थोड़ा सा ना हम वार्म अप कर लेते हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो चलो वार्म अप करते हैं। और फ्रेंड्स, वार्म अप अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो 1 1 2 3 स्टार्ट। A few moments later. Two thousand years later. तो फ्रेंड्स, मैं मजाक कर रही थी, हमें वार्म अप करना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जो वार्म अप बताया है ना, वो वार्म अप भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हमें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। इस बात से आप, मेरी बात से आप, अगर आप मेरी बात को अगर आप सपोर्ट करते हो, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। हमें ये वाला वार्म अप भी करना चाहिए। बहुत तेज हो रहा है। स्लीपिंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, ना ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा गर्मी है। तो मैं सोच रही हूँ एक दो हम रील शूट कर लेते हैं। तो मैं अब एक दो रील शूट करूँगी, तो इसी फ़ोन से करूँगी, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है। और अभी वैसे भी मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगी है, अगर भूख लगेगी तो ही नीचे जाऊँगी, तो मैं नीचे नहीं जाऊँगी, मतलब शाम को जाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी पेट भरा हुआ है, तो अपनी एनर्जी पहले यहीं पे सारी वेस्ट कर लेते हैं, फिर नीचे जाके फिर से एनर्जी कर लेंगे और फिर से अपना वार्म अप करेंगे। कंट्रोल, योगासन। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो चलो मैं अपने एक दो रील शूट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरी रील बन के हो गई है, मैंने रील्स बना ली, दो चार रील्स तो बना ली, और एक रील मैंने बना के तुरंत अपलोड भी कर दी है, आप देख सकते हैं उसे मेरे चैनल पर जाके। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि शाम भी होने वाली, फिर रात चलेगी तो जीने पे दिखेगा नहीं, क्योंकि लाइट वैसे ही नहीं है। तो फिर अब मैं यहाँ से जितना मैंने बिखेरा कराया वो मैं सब संभाल के जाऊँगी। तो सबसे पहले से मैं अपना ये टांग लेती हूँ, कहीं मैं इसे भूल ना जाऊँ, फिर भूल गई तो फिर मुझे रात को दोबारा लेने आना पड़ेगा, और मैं ये चाहती हूँ। मैंने ये ले लिया अपना, और रील बनाने के लिए मुझे इतना फैलावा करना पड़ता है। ये मैंने ईंट लगाई है, और फिर मैंने ये बाल्टी रखी है जिसके अंदर मट्टी भरी है, उसके नीचे एक स्टूल रखा है, और यहाँ पे मैंने फ़ोन ऐसे खड़ा किया था रिस्क पे, और फिर मैंने रील शूट करी थी। तो ये है मेरा रील शूट करने का सेटअप। रिस्क होता है कि फ़ोन ऐसे जैसे गिर गया तो टूट भी सकता है, बिकॉज जो जिससे मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, अगर मैं इस फ़ोन के साथ इसे अटकाती हूँ तो ये अटकता नहीं, क्योंकि बहुत मोटा हो जाता है, और जब मुझे पीछे फ्रंट में कैमरा करना होता है तो फिर जो इसका ये है ना कवर, ऐसे अटकाना पड़ता है ये ऐसे, और जब फिर मुझे फ्रंट कैमरा करना पड़ता है ना, तो ये जो कैमरे की लाइट यहाँ से आएगी तो ये कवर हो जाता है, इसलिए मुझे बार बार इसे निकालना पड़ता है, बार बार फ़ोन को डालना पड़ता है, इसलिए नो रिस्क। इसलिए मैं जब भी व्लॉग बनाती तो इसे हटा देती हूँ, क्योंकि आगे पीछे से हो नहीं सकता, और फिर ये इससे बहुत मोटा बैठता है जिससे ये फिट नहीं हो पाता। और फिलहाल ये छोटी सी खिड़की, तो चलो मैं जल्दी से यहाँ से जो मैंने बिखेरा करा मैं सब संभाल लेती हूँ, और फिर मैं जाऊँगी नीचे। तो चलो ये बाल्टी उठा के रख देते हैं, देखने की है ये बाल्टी सीरियसली बहुत भारी है। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा बिल्कुल भारी नहीं, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। यहाँ रख देते हैं इसे कोने में, और ये शूल तो मैं नीचे से लेके आई थी अपने रूम से, तो ये नीचे ही लेके जाना पड़ेगा वापस, और जो ये रिक्स है ये उठा के रख देते हैं। हाँ मसी मार्ट को टो दो, तो ये वापस रख देते हैं। बहुत भारी है ये।
इसको मैंने ये रख दिया, और ये जो कट्टा है जिस पर बैठ के मैंने सूट किया था इसको भी मैं अपनी जगह पे रख देती हूँ, नहीं तो बाद में डांटना पड़े कि छत पूरी फैला रखी है। तो मैं सूट करती हूँ तो मैं सारा संभाल के जाती हूँ। मैंने इसे यहाँ रख दिया, अब मुझे भूख भी लगना चालू हो गई है तो मैं नीचे नीचे जाके खाना खाऊँगी, भूख लग गई इसलिए मैं अभी जा रही हूँ, तो मैं नीचे जाती हूँ। तो ये जो स्टूल है इसमें हम सारा सामान ऐसे रख लेते हैं, जैसे कि ये ट्राइपॉड और ये फोन का कवर, और मैं अकेले के आई थी ये भी रख ही देती हूँ। और फ्रेंड्स ये चप्पल देखो, ये मेरे पैरों से भी बड़ी चप्पल है, यही पहन के मैं ऊपर आई थी वॉशरूम की चप्पल, और यही पहन के अब मैं जाऊँगी। सीधी से बात है जो पहन के आई थी वही पहन के जाऊँगी। तो मैंने पहन लिया अपनी स्लीपर्स, तो अभी शाम होने वाली है तो छत को बाय बाय कर देते हैं क्योंकि अब हम नीचे जा रहे हैं। मैं थोड़ा देर दो मिनट और डर के सोचती हूँ ये कुछ भूल तो नहीं गए, नहीं तो फिर मुझे रात को आना पड़ेगा, और शाम हो रही है रात जल्दी हो जाएगी तो आना बेकार, मैं आऊँगी नहीं। इसलिए देख लेती हूँ मैंने सारा सामान रखा, मैं हेडफोन लाई थी, फोन का कवर और ट्राइपॉड, और जिसकी मैंने वीडियो बनाई वो अच्छी लाइक वीडियो लिया, स्टूल भी रख लिया मैंने, और बाकी सारा सामान अपनी जगह पर भी रख दिया है। और बस मुझे जाना है नीचे, तो अब छत को बाय बाय कर देते हैं, बाय बाय छत, अब हम जा रहे हैं नीचे, अब हम कल मिलेंगे, या कल भी नहीं मिलेंगे या परसों मिलेंगे, कभी ना कभी तो मिलेंगे। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये जो ट्री का बैकग्राउंड है ना ये बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा जब वीडियोस मारा। अब मैं नीचे जाऊंगी ना तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए मैं पहले नीचे पहुंच जाती हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी लाइटिंग है तो ये सामान मैंने उठा लिया है, स्टूल में रख लिया है, ये स्टूल ऐसा है इसमें हम कैरी करके लेके जा सकते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। याद आ गई फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ लाई थी और अब वो चीज़ मुझे दिखती कैसे नहीं, सामने ही है तो दिखेगी, जीने की तरफ ही है, मैं आपको दिखाती हूँ। साथ में मैं ये दो जोड़ी अपने कपड़े भी लाई थी तो ये भी हम उतार लेते हैं, और ये मैंने सीढ़ी के हैंडल पे अटका दिए थे, देखिए नीचे सीढ़ी और ये ऊपर, तो दिखते कैसे नहीं। सो फ्रेंड्स तो मैंने कपड़े ले लिए अपने, ये अब मैं इसको भी वापस टप में डाल देती हूँ, मतलब अच्छी तरह अब इसमें कवर हो गया, और इसको लेके चलते हैं नीचे बर्तन वाली भाई, बर्तन ले लो, बर्तन बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, नीचे चलते हैं। सीढ़ियाँ इतनी खास नहीं है जो मैं आपको सीढ़ियाँ दिखाऊँ, आप मुझे देख लो वही इतना काफ़ी है। तो चलो मैं अब नीचे उतर रही हूँ, एक मिनट एक बार फिर से जाकर देख लेती कि कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, नहीं तो दोबारा ऊपर आना पड़ेगा। मैं अभी कितने रहा हूँ आज ना, मैंने देख लिया कुछ इनका वीडियो देख लिया था, रैपर ये भी ले चलती हूँ, नहीं तो क्या पता बाद में मुझे रैपर के डांस होगा कि मैं रैपर ऊपर भूल ही आई। एक ये वाला रैपर कुछ नहीं, भूमि हमने सब कुछ रख लिया है, अब फाइनली नीचे चलते हैं। मैं आपको कौवे का झुंड दिखाती हूँ, अभी मैंने देखा कौवा झुंड, देखो कितने सारे कौवे घूम रहे हैं, पूरा झुंड है, कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। कैमरे में तो फिलहाल इतने ठीक ठाक नहीं लग रहे होंगे, लेकिन सीरियस भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो अब मैं फाइनली नीचे जा रही हूँ, सारा सामान मैंने अपना ले लिया है, और जब भी मैं सूट करती हूँ ना तो मेरे कपड़े पर मट्टी लगी जाती है, क्योंकि मैं पहली बात तो मैं कुछ अपना बैठने के लिए लेके नहीं आती हूँ, तो मैं जमीन पर बैठती हूँ, कट्टे पर बैठती हूँ, और ऐसे में सूट करने में बार बार नीचे बैठती हूँ, ऊपर बैठती हूँ तो दरी पर नहीं बैठती, ऐसे जमीन पर बैठ जाती हूँ तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, जिस वजह से मेरे घर वाले मुझसे परेशान हैं। चलो कोई बात नहीं,
चलो चलते हैं नीचे फाइनली। छत को बाय बाय कर देते हैं, बाय बाय छत, फिर मिलेंगे दोबारा। चलो चलते हैं अपने घर को। ये हमारा रूम नहीं है पर ये किसी का तो रूम है, तो चलो देखते हैं। झांकना अच्छी बात नहीं होती, आप मैं झांकना, मैं झांक लूँ, कोई नहीं रूम में। चलो नीचे चलते अपने रूम में, झांकेंगे जाके। सारी प्रॉब्लम सीढ़ियाँ चढ़ने की तो है। और देखो बिल्कुल अंधेरा हो गया। अब मैं जैसे कि रात को लेट आती ना नीचे, तो बिल्कुल जीने पे दिखता नहीं, तो गिरने का भी डर रहता है और साथ में फोन भी रहता है, तो उसका कुछ ज़्यादा डर रहता है। तो चलो चलते हैं नीचे। तो अब मैं ये, अब इसके नीचे हमारा रूम है, वहाँ भी चलते हैं। मुझे दिख ही नहीं है, पहुँच गई हूँ मैं। और आप देख सकते हैं यहाँ का नीचे ना बैकग्राउंड थोड़ा ठीक नहीं, तो मैं यहीं शूट कर लेती, लेकिन मुझे ऊपर जाना पड़ा। आप भी दीवार दीवार देख के थोड़ी कन्फ्यूज, ऊपर नेचुरल लाइट भी आती है। तो मैंने आपसे बोला था कि सेफ्टी के लिए हमें लॉक करके जाना चाहिए, तो मैं लॉक करके गई थी। मुझे आज से कैमरा बहुत हिलता है क्योंकि मैं कभी भी सीधी नहीं रहती। फाइनली चलो अंदर चलते हैं। पहले तो मैं रूम में आ चुकी हूँ। ये पर्दा है, इसको बाहर की तरफ कर देते हैं, हो गया है। अब अपना स्टूल भी अंदर ले आते हैं। तो लाइट ऑफ है, तो इसलिए आप थोड़ा अंधेरा अंधेरा लगा, तो लाइट ऑन कर देती हूँ। अब आपको क्लीन दिख रहा होगा। तो चलो भूख लगी है, सबसे पहले हम मैं खाती हूँ खाना, तो देखती हूँ खाने में क्या बना है। तो खाने में बना है आज पास्ता, तो जल्दी से पास्ता खाते। तो मैंने अपने लिए पास्ता ले लिया है, तो जल्दी से इसको खाते हैं। अब मैं कैमरा पकड़ू के खाऊं। तो फिलहाल मेरा खाना पीना हो चुका है और मेरा पेट बोरा भर गया है, और इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। तो कैसे लगा आपको मेरा ये आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इससे भी अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो फ्रेंड्स बहुत दिनों से मेरे यहाँ होंठ पे दर्द हो रहा था, अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड भी निकल रहा है। चलो कोई बात नहीं, नीचे पानी से अपना मुंह धो लेंगे।